दोस्तों नमस्कार। 9 अक्टूबर 2024 को भारत और बांग्लादेश के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा। पहला मैच खेला जाएगा ग्वालियर में, यह होगा 6 अक्टूबर 2024 को। दूसरा होगा 9 अक्टूबर 2024 को, यह होगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। सब लोग परेशान है, इसका टिकट कैसे बुक करेंगे, कहां से बुक करेंगे, टिकट प्राइस क्या हुआ। चलिए दोस्तों मैं टिकट बुक करके दिखा दे रहा हूं कैसे बुक करना है। चैनल पर भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे तरफ जो भी जानकारी आती है वह सही जानकारी अपडेट होती है। पूरा वीडियो सेक्शन आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप का लिंक है उससे भी जुड़ जाइए, वहां मैं क्रिकेट की सभी जानकारी अपडेट कर देता हूं और टिकट के बारे में जो भी जानकारी आती है वह भी अपडेट करता हूं। काफी लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती टिकट की, कहां से बुक करना है, कैसे बुक करना है, कब आने वाला है, प्राइस क्या होंगे, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे जब भी कोई भी इवेंट होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से भी अपडेट आपको मिल जाएगा। चलिए समय पास नहीं करेंगे, करके आपको दिखाते हैं कैसे और कहां से बुक करना है। देखिए दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग चार्ज करना है, पेटीएम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे आना, स्क्रॉल करके एक ऑप्शन दिख रहा है आपको इवेंट टिकट का, जो इवेंट टिकट का ऑप्शन दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये जो सर्च है यहाँ पे पहले देखिए सब लोग क्या सर्च करते हैं, वो भाई मैं भी सर्च करता हूं, जो भी आएगा वही सर्च करेगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, साफ ही सर्च करेगा। ठीक, बहुत कहेगा तो इसके आगे सेकेंड T20 लगा देगा। देखिए आपका सेकेंड T20 लिखते इतने सारे टिकट आ गए, आप सोच रहे हो यार टिकट तो इतना आ गया। देखिए क्या लिखा है उस पर, स्क्रीनिंग लिखा है, सब पे लिखा है, सब पे स्क्रीनिंग लिखा है, ये एक भी टिकट रियल नहीं है, इसको कोई मत बुक करना। देखिए मैं एक पे क्लिक करता हूं, देखिए ये देखिए एड्रेस चेंज है, गाजियाबाद लिखा हुआ है। ये स्क्रीनिंग का मतलब तो टीवी पर दिखाया था वो वाला टिकट है ये। ठीक, और यही नीचे आएंगे सबसे, जब सबसे नीचे आएंगे ये देखिए टिकट आ रहा है IDFC फर्स्ट बैंक से भी इंडिया बांग्लादेश चेन्नई, ये चेन्नई का आ रहा है, जो पहला टेस्ट है उसका आ रहा है। कोई भी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सर्च मत करना है, यहाँ पे सर्च क्या करना है, सर्च बार में IDFC, सिर्फ IDFC सर्च करना है। बहुत आप कर सकते हैं तो फर्स्ट बैंक कर दीजिएगा, फर्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक IDFC फर्स्ट बैंक कर दीजिएगा, या सिर्फ IDFC फर्स्ट IDFC सर्च करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आ रहा है सिर्फ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये फर्स्ट टेस्ट का आ रहा है, जो भी टिकट होगा आपको यही शो करेगा, अभी आया नहीं है, जब भी आएगा तो यहीं पे 90% चांसेस का पेटीएम पर ही आता है, 90-95% टिकट दिल्ली के पेटीएम पर ही आता है, जो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली है जहां भारत और बांग्लादेश का सेकेंड T20 मैच खेला जाना है। अभी आया भी नहीं, से कोई अपडेट भी नहीं है। अगर आप खुद से भी चेक करना चाहते हैं बार बार चेक करते रहेगा पेटीएम पे IDFC सर्च करके रहेगा तो शो कर देगा। वैसे भी जैसे ही टिकट आएगा मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा कि आ चुका है, आप लोग बुक कर लीजिए, फिर प्रोसेस बता दूंगा मैं दोबारा भी करके। और अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, अपने जो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का वहां बता दूंगा मैं आपको मैसेज करके। तो फिलहाल प्रोसेस जो है बुक करने का सेम होता है, मैं बता दे रहा हूँ प्रोसेस करने के लिए कैसे बुक करें, जिसको नहीं पता उजा ही अगर सीख लेगा तो जैसे टिकट आएगा बुक कर लेगा, बताऊंगा तो। ठीक है, तो ये वाला आप पूरा वीडियो देख लीजिए कैसे बुक करना है। टिकट प्राइस देखिए, खैर सेम प्रोसेस यही रहेगा। देखिए ये जो चेन्नई में देखे ये है लिया, लोकेशन MH चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, इस तरह टिकट रहेगा, कहीं स्क्रीनिंग नहीं लिखा रहेगा, जो रियल टिकट होते हैं सेम एक ऐसे ही दिखेगा आपको दिल्ली वाला टिकट भी। अब ये देखिए 95% पेटीएम पर आता है इसका, इसलिए पेटीएम बता रहा हूं, कहीं साइड अगर चेंज होती है तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, साइड चेंज हो गई है ऐसे बुक करना है। अब फिलहाल पेटीएम पर आप लोग सीख लीजिए, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, इसमें टर्म एंड कंडीशन सब सारी चीज रहती है। देखिए एक है खत्म हो गया 12,000-15,000-2,000 है, यही वो उसमें भी होगा, लेट से बुक करेंगे जो खत्म रहेगा वो नहीं मिलेगा, अगर पूरे खत्म हो सोल्ड आउट लिख देगा, जो बचेगा यहाँ पे जो शो करेगा वही आप ले सकते हैं, 1500 पे क्लिक की जाएगा, जो भी लेना है जहां पर टिकट जाएगा अलग कलर बन जाएगा आपका, फिर इस तरह कुछ प्रोसेस होगा आपका। यहाँ पे देखिए ये भी खत्म ही होने वाला है 1500 वाला भी, कुछ ही टिकट बचे हुए हैं, देख लीजिए जो भी टिकट आपको लेना होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, 5-6 टिकट आप एक आईडी से बुक कर सकते हैं,
एड टू कार्ड कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, टिकट आपका बुक हो जाएगा, मेल पे कंफर्मेशन चला जाएगा, टिकट आपका बुक हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, टिकट आपको कहाँ से लेना है, कब से कब तक लेना है, पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी मेल या मैसेज में। स्टेडियम में कुछ भी अलाउड नहीं होता, जैसे अब आपके पास कैमरा हो गया, स्टिक्स हो गया, पावर बैंक हो गए, चार्जर हो गए, बैग्स हो गए, ये सब जहां भी आप रहते हैं रख के जाइएगा। सिर्फ लेके क्या जाना है आपको, पैसे में नोट और मोबाइल, और कुछ नहीं, पैसे में नोट और मोबाइल ही लेके जाइएगा, और कुछ मत लेके जाइएगा, बाकी कुछ वहाँ अलाउड नहीं होता है। बाहर खाने पीने का सामान होता है, जो भी चीज़ होती है दुकान लगे तो वहाँ खा पी के आराम से जाइएगा, मैच का एंजॉय कीजिएगा। देखिए मैच के दो घंटे पहले से एंट्री चालू है, 5:30 बजे से एंट्री चालू हो जाएगी, 7:30 से मैच, लेकिन 5:30 बजे से एंट्री चालू हो जाएगी। तो मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, जैसे टिकट भी आएगा मैं दूसरी वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।